अहियागंज गुरुद्वारे में आज श्री तेग बहादुर साहिब का प्रकाशोत्सव। हमारे साथ इसी गुरुद्वारे के ग्रंथी मौजूद हैं श्री ज्ञानी परमवीर सिंह। आज इनसे जान लेते हैं कि इस गुरुद्वारे की और क्या खासियत है। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज ट्रैक। आज यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसी तैयारियाँ हैं और प्रकाशोत्सव है, इसको लेकर कैसे इंतजाम किए गए हैं? सबसे पहले आप सभी को, चैनल वालों को, साईं गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज के प्रकाश पुरब की लाख लाख बधाई है। साईं गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज का आज 400 साल प्रकाश पुरब इस ऐतिहासिक स्थान में मनाया जा रहा है, जिस स्थान में साईं गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज 3 दिन रह के इस स्थान में गुरबाणी का प्रचार किया है। आज संगतें बड़ी उल्लास के साथ गुरु महाराज का 400 साल प्रकाश शताब्दी मना रही हैं। वो इस स्थान में गुरु महाराज के लेख हैं, वो बहुत ही भारी गिनती में संगतें 20-25 किलोमीटर दूर से आके आज गुरु महाराज का प्रकाश यहाँ मना रही है। इसमें विशेष बात यह है कि श्री दरबार साहब से हजूरी रागी जो भाई जगतार सिंह जी, भाई सत्येंद्र सिंह जी, ज्ञानी किशन सिंह जी प्रवचन करने के लिए इस स्थान में पहुँचे हैं। ये बहुत ही भव्य एक आलीशान गुरुद्वारा है, जिसमें सभी प्राणियों की मनोकामना पूरी होती हैं और दिन रात इस स्थान में वाणी का प्रवाह चलता रहता है। संगत के सहयोग से श्री अखंड पाशाह लड़ियाँ इस स्थान में चलती रहती हैं। मैं अपनी तरफ से और डॉक्टर गुरमीत सिंह मुख्य सेवादार की तरफ से आपके चैनल को लाख लाख बधाई देता हूं कि जिन्होंने हमारे इस पवित्र स्थान को अपने चैनल के द्वारा जन जन तक आज के प्रकाश पर्व की खुशी के अंदर ये आपने सूचनाएं दी हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हैं, वाहेगुरु जी का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लंगर की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, लोग आ रहे हैं, पूरे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी सब कुछ बन रहा है, हर चीज़ यहाँ पर व्यवस्थाएँ एकदम अच्छी तरीके से की गई हैं, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और पूरी हाइजीनिक तरह से यहाँ पर खाने को बनाया जा रहा है। हम भी आ चुके हैं लंगर में, जो बोले सोनिहाल, शास्त्रीय अकाल। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं श्रुति शुक्ला, न्यूज ट्रैक, लखनऊ।